दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ग्वालियर में अचानक धान की सरकारी खरीद रोके जाने से किसानों में काफी रोष है। धान की खरीद रोकने का आदेश जारी होने के बाद किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहीं प्रशासन का कहना है कि यूपी से धान लाकर मध्य प्रदेश में एमएसपी पर बेचे जाने की शिकायत मिलने के चलते इस तरह का आदेश जारी किया गया है। लिहाजा ग्वालियर के घाटी गांव एसडीएम ने आदेश जारी किया है कि खरीद से पहले खेतों में धान के डंठल और बाली की जाँच की जाए, उसके बाद ही खरीद शुरू की जाए। इस तरह के वेरिफिकेशन की वजह से किसान काफी नाराज हैं, क्योंकि धान की कटाई 3 महीना पहले ही पूरी हो चुकी है, गेहूं की बुवाई भी हो चुकी है। डबरा, भीतरवार, घाटी गांव और मुरार में धान की खरीद को लेकर शिकायतें लगातार अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। किसानों का आरोप है कि खरीद के वक्त कहा जा रहा है कि धान की डंठल और बाली की जाँच की जाए। ये आदेश बेईमानी है, क्योंकि अब जांच के लिए डंठल और बाली बची ही नहीं है। कुछ दिन पूर्व प्रशासन ने एसडीएम के निर्देश पर जांच के आदेश जारी किए थे, क्योंकि डबरा, भीतर भाव और घाटी घाव इलाकों में यूपी से लाकर धान समर्थन मूल्य पर बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। किसानों का कहना है कि अब खरीद रोके जाने से उनका नुकसान हो रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है और 2 दिन बाद खरीद फिर से शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में धान खरीद काफी सुस्त है। यहां खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में 13 दिसंबर तक सिर्फ 3.45 लाख मेट्रिक टन धान की ही खरीद हुई है, जबकि 29 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू है। बताया गया है कि सूबे में इस साल 9 लाख से ज्यादा किसानों ने एमएसपी पर धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि अब तक सिर्फ 1,02,228 किसानों को ही सरकारी खरीद का फायदा मिला है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में कुल 37.27 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस साल मध्य प्रदेश धान की सरकारी खरीद में काफी पीछे है। बताया गया है कि इस बार मध्य प्रदेश में 35 लाख हेक्टेयर धान की बुआई हुई थी, जिससे करीब 125 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। लेकिन धान की सरकारी खरीद काफी सुस्त रहने से किसानों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। इस साल अलग अलग ग्रेड का धान 1940 और 1960 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।